जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बिहार बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 2 का, यानी दूसरे सब्जेक्ट जिसका नाम है कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन। तो उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आज हम हाजिर हैं। तो साथियों, आज का क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, विवेचना करिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे साथियों प्रयोजनवाद को। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ है हैंडरसन के अनुसार, सॉरी दोस्तों, यहाँ हैंडरसन लिखा गया है नोटबुक में, इसको हैंडरसन कर लीजिएगा, र छूट गया यहाँ पे। तो प्रयोजनवाद के अर्थ में हैंडरसन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आदर्शवाद के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताया इन्होंने, जो कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग हैंडरसन का देखेंगे प्रयोजनवाद के बारे में इन्होंने क्या बताया। तो हैंडरसन के शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, किस प्रकार भाई, तो प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य बनाती है। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई लड़का या कोई बच्चा अगर बात बोल रहा है लेकिन एकदम आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, तब उसके बात को सत्य बना देता है। लेकिन कोई बात मुंह से बोल रहा है लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये बिल्कुल डरे उरे हुए हैं, तो उसको हम लोग ऐसे ही पता कर लेते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यही बात सत्य, यानी कि कोई भी बात अगर अनुभव के साथ बोला जाता है तो उसको सत्य बनाया मान लिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको असत्य घोषित किया जाता है, झूठ बोल रहा है ऐसा सोच लिया जाता है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता, किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी कुशलता से जानी जाती है, यानी कि कोई भी सिद्धांत का जो सत्य बात है वो किससे जाना जाएगा, वो कितना कुशल है, कितना वो सही बता पा रहा है, और उसका बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहा है, तो इन सब सारी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है, वो होती है। सत्य का निर्माण मनुष्य करता है। सत्य है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, क्या सही बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा रहा है, तो इसका खुद जो है निर्वहन करने वाला खुद मनुष्य होता है। किसी बात को अनंत सत्य नहीं कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही। अब कोई ऐसा भी बात है जिसको अनंत सत्य का मतलब बिल्कुल सत्य एकदम ही सही बोल देना, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सत्य परिणामों के अनुसार बदलता रहता है। सत्य जो है रिजल्ट के अनुसार बदलता रहता है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के डेट में जो सही है वो आने वाले कल में भी सही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही लिखा है, केवल वही बात सत्य है जो विशेष परिस्थिति में सत्य होती है, यानी कि उसी बात को सत्य मान लिया जाता है जो एक खास स्थिति में सही है, वरना इसको असत्य भी बोला जा सकता है। परिस्थितियों में सत्य जो है बदलते रहती है, इसलिए सत्य भी बदलता रहता है। जो बात आज सही है वह कल गलत भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। बिल्कुल सही भाई, क्योंकि हो सकता है आज के डेट में कोई बात जो है सही है लेकिन आने वाले कल में आज वाला जो बात है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है रहने खाने पीने का रवैया सब चीज़ें चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये फिर गलत साबित हो सकती है। फिर है आगे प्रयोजनवाद की विशेषताएं। अब प्रयोजनवाद की क्या विशेषताएं हैं, तो प्रयोजनवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है। 6 विशेषताओं का जिक्र यहाँ किया गया है। अब चलिए 6 विशेषताओं को यहाँ पर देखते हैं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है क्रिया का महत्व, तीसरा है प्रोजेक्ट योजना का महत्व, चौथा है व्यावसायिक जीवन का महत्व, पांचवा है सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा, और छठा है एकता पर बल। अब हम लोग जरा बारी बारी से इन सभी 6 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया का महत्व, प्रोजेक्ट योजना का महत्व, व्यवहारिक जीवन का महत्व, सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा, एकता पर बल। तो चलिए, पहला है जो पॉइंट था
बाल केंद्रित शिक्षा उसके बारे में, यह प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे बड़ा गुण है। यानी कि प्रयोजनवाद शिक्षा में सबसे बड़ा शिक्षा किसको माना गया है? बाल केंद्रित शिक्षा को। क्यों? क्योंकि इसमें पुस्तकीय ज्ञान की अवहेलना की गई है, क्योंकि इसमें किताबी ज्ञान को गलत बताया गया है, इसमें किताबी ज्ञान को अच्छा चीज़ नहीं बताया गया है, इसमें बालक की शिक्षा का केंद्र बिंदु बताया गया है। इसमें जो है बालक कितना सीख पाता है, बालक का अपना शिक्षा जो है उसी को सही बताया गया है, किताब के ज्ञान को अवहेलना किया गया है। अब जरा दूसरा है, तो दूसरा जो है वो क्रिया का महत्व है। अब क्रिया के महत्व में क्या बताया गया कि प्रयोजनवादी विचारों के अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि जो प्रयोजनवादी होते हैं वो विचार को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि क्रिया को। यानी कि कोई व्यक्ति जो है बैठ के विचार कर रहा है क्या करे क्या नहीं, और एक दूसरा व्यक्ति जो है विचार विमर्श कम किया लेकिन तुरंत फटाफट काम करना शुरू कर दिया, उस पे एक्शन ले लिया, तो जो एक्शन लिया जो क्रिया कर रहा है उसी को अधिक महत्व दिया जाता है क्रिया का महत्व में। अब अगला जो है वो है प्रोजेक्ट योजना का महत्व। अब प्रोजेक्ट योजना का महत्व में क्या बताया गया? शिक्षा की प्रोजेक्ट योजना प्रयोजनवादी की देन है। यानी कि शिक्षा की जो प्रोजेक्ट योजना है वो प्रयोजनवादी से ही मिला है। इस पद्धति में बालकों को अपनी रचनात्मक प्रकृति के विकास का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि इस योजना जो है यह योजना जो है प्रयोजनवादी का ही देन है, मतलब उसी के अंतर्गत आता है, और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इससे उस बालक के अंदर रचनात्मक प्रकृति का विकास होता है। यानी कि उसमें एक अलग तरह का एक डेवलपमेंट होता है ताकि उसका बुद्धि बहुत तीव्र गति से विकसित हो पाता है। फिर साथियों अगला जो है नंबर 4 वाला जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो अगला है व्यवसायिक जीवन का महत्व। और व्यवसायिक जीवन के महत्व में क्या क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है प्रयोजनवादी शिक्षा बालक को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करती है। यानी कि प्रयोजनवादी शिक्षा जो है बालकों में क्या व्यवहार होना चाहिए, उसका जीवन में व्यवहार का क्या यूज है, इसके लिए उसे तैयार किया जाता है। आधुनिक युग में यानी कि आज के डेट में इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल सही, आज के डेट में देखते हैं अगर कोई बच्चा आया और उसके सामने अगर कोई बड़े लोग खड़े हैं तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो लोग क्या कहते हैं कि उसको जो है व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इसलिए आज के डेट में ये बहुत ही आवश्यक है। जो शिक्षा बालक को उत्तम नागरिक ना बना सके वह शिक्षा व्यर्थ है। बिल्कुल सही, तो जो शिक्षा यानी कि वह शिक्षा जो बालक को एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प नहीं करे तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकलता है, वह शिक्षा व्यर्थ है। प्रयोजनवादी शिक्षा बालक का उत्तम नागरिक बनाने में समर्थ है। यानी कि प्रयोजनवादी जो है उसका मेन उद्देश्य है कि किसी भी बालक को एक उत्तम नागरिक बना सके, यानी कि एक समाज में रहने के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाया जा सके। और नंबर 5 में है सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। प्रयोजनवादी शिक्षा सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा है। यानी कि प्रयोजनवादी शिक्षा जो है एक सामाजिक शिक्षा है, एक साथ देने वाला शिक्षा है, जनतांत्रिक शिक्षा है, लोगों को के बीच इसका यूज होने वाली शिक्षा है। इससे बालक में स्वतंत्रता और समानता आदि गुणों का विकास होता है। तो इस शिक्षा में बच्चों को ये समझ में आने लगेगा कि स्वतंत्रता यानी कि हम लोग सभी क्या हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, कोई किसी के अंडर में
नहीं है और सभी के गुण क्या है, समान है। इसलिए न कि कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है, इसलिए आपस में मिलजुल कर रहा जाए। तो ये शिक्षा प्राप्त की जाती है, दी जाती है प्रयोजनवाद में। फिर अगला है और लास्ट है एकता पर बल। एकता मतलब क्या होता है, यूनिटी। एकता मतलब होता है ग्रुपिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है एकता पे बल। प्रयोजनवादी शिक्षा में बुद्धि को एकता और ज्ञान की एकता पर बल दिया जाता है, यानी कि प्रयोजनवादी शिक्षा में एकता पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि इस विचारधारा में यह मान्यता है कि एकता विकास का साधन है। देखिए, प्रयोजनवादी शिक्षा में एकता पर बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एकता है तो ये बहुत ही उसके अंदर विकास का एक साधन बना हुआ रहेगा। तो साथियों, ये था प्रयोजनवाद के बारे में। तो हम लोग आज देखें कि प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है और इसके बारे में हम लोग डीपली देखें। तो साथियों, अगर आपको बीएड में क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर इसको लिख पाएंगे, मुझे बहुत आशा है। तो अगर दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्त, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, जो आपको बीएड फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके फुल डिटेल्स के साथ। तो दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।